अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। भाइयों, आज हम एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस ब्रांड न्यू वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा। जैसा कि मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि आज हम पबजी मोबाइल खेलने वाले हैं और इसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम यानी ग्लिच को हम सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ग्लिच प्रॉब्लम कैसी होती है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये कैसे पेश आती है। तो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल इजी वे फंडर को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन होगा आप उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले आपको बताते हैं ग्लिच होती क्या है। जी हाँ गाइस, ग्लिच आपकी पबजी मोबाइल की गेम की जिगल को स्लो करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रो प्लेयर हैं तो आप अगर मूवमेंट अपनी फास्ट करते हैं तो ग्लिच आपकी मूवमेंट को स्लो करती है। यानी कि अगर आप एनिमीज को मारते हैं, एनिमीज को डाउन करते हैं तो एकदम आपका बंदा स्टक हो जाता है, आपका बंदा हिलता नहीं है। अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो वो लेफ्ट जाता है। तो एकदम ऐसी ही कोई बुरी प्रॉब्लम अगर आपको पेश आती है तो इसका हल आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पबजी मोबाइल को ओपन कर लेना है। तो भाइयों, मैं गेम को ओपन करके इसकी लॉबी में आ गया हूँ और लॉबी में आने के बाद मैं एक चीर पार्क मैप लगा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने ग्लिच को ठीक कर लिया है। और ग्लिच को ठीक कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो भाइयों, जैसा कि ग्लिच ऐसा होता था कि आपकी गेम को लैग करता था, आपका बंदा लेफ्ट जाने के बजाय राइट जाता था, आपकी एन की हेड शूट नहीं लगता था या आपका बंदा एकदम स्टक कर देता था, तो इसका आपको तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे हम ग्लिच को ठीक करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं गेम के बीच एंटर हो जाता हूँ चीर पार्क में, आपको दिखाता हूँ कि मैंने ग्लिच ठीक कर लिया और अब इसके मुनाज़िर कैसे हैं। तो जी गाइस, मैं जैसे कि अपना बंदा दौड़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जा रहा है, बिल्कुल लैग नहीं कर रहा और इसकी जॉयस्टिक आप देख सकते हैं, जॉयस्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जिगर कर रहा है और आप इससे अपनी मूवमेंट भी फास्ट कर सकते हैं और अपने एनिमीज को धोखा देकर उसको मार भी सकते हैं और अपने हवाले किल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं अब गन लेकर दिखाऊँगा और इसको चला कर दिखाऊँगा कि ये जब हम एनिमीज को मारते हैं तो ये स्टक करता है कि नहीं। तो जैसा कि गाइस, मैंने गन M416 ले ली है। तो अब मैं एनिमीज को मार के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल स्टक नहीं कर रहा, जैसा कि ग्लिच के दौरान ये बहुत ही स्टक करता था और ये हमारी गेम के दौरान बहुत ही कंफ्यूज कर देता है और हम बिल्कुल हमारी क्रिएट बन जाती थी। और अब इसके छुटकारा पाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये खेल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जॉयस्टिक चल रही है। और तो जैसा कि मैं टोकन लेकर अब आपको ये दिखाऊंगा कि ये अब एनिमीज अगर हमारे सामने आते हैं तो ये कैसे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आप मेरे अपनाए हुए तरीके के साथ अपनी ग्लिच को ठीक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है और आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। दोस्तों, अब तो मैंने आपको ग्लिच के बारे में सारा इंटरव्यू करवा दिया, अब दोस्तों बारी आती है कि ग्लिच को ख़त्म कैसे करना है, अब वो आपको तरीका मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस चीर पार्क से बैक चले जाऊँगा। जैसे कि मैं दोस्तों लॉबी में आ गया हूँ दोबारा, और लॉबी में आने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने दोस्तों सिंपली सेटिंग पर चले जाना है। इसकी सेटिंग पर चले जाने के बाद आपने स्क्रॉल अप करना है और नीचे आपको दोस्तों डाउनलोड लिखा होगा और डाउनलोड के साथ एक क्रेट बनी होगी। दोस्तों, आप जैसे कि डाउनलोड पर आ जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट था डाउनलोड ऑटोमेटिकली 1/4 GB लिखा होगा, आपने दोस्तों इसको सिंपली डिसेबल करना है, आपने इसको इनेबल नहीं करना, ये बहुत फजूल चीज़ है दोस्तों, ये आपकी ऑटोमेटिकली मैप डाउनलोड कर देती है। तो दोस्तों, आपने इसको सबसे पहले डिसेबल करना है और दूसरा काम आपने बेसिक पर जाकर लॉग आउट करना है। जैसे कि दोस्तों आप ओके कर देंगे और आप लॉग आउट हो जाएंगे, और लॉग आउट होने के बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर रिपीट लिखा होगा, आपने सिंपली इसको प्रेस करना है और आपने दोस्तों ऊपर करके रिपेयर रिसोर्स लिखा होगा, आपने दोस्तों इसको दबाना है। और दोस्तों, जो मैप में आपकी वो ग्लिच कर रही है वो उसको आपने सेलेक्ट करना है और वो ऊपर डिलीट मैप लिखा होगा, इसको आपने सिंपली ओके कर देना है। जैसे दोस्तों TDM में ये ग्लिच करती थी और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों ये गेम आपकी डिस्टार्ट हो गई और आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद दोस्तों आपने दोबारा इस गेम को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप गेम को डिस्टार्ट करके इसको ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों
आपके सामने ये एमबीस की कुछ ये फाइल डाउनलोड होने शुरू होगी। आपने इसको डाउनलोड होने देना है, ये आपकी ग्लिच को ठीक करने में आपकी मदद देगी। और इसको मैं वीडियो को पास करके आपके अगले वाले मनाते भी दिखाता हूँ। और आपने दोस्तों करना है दोबारा अपनी फेसबुक आईडी से या ट्विटर से या गैस्ट से आप चलाते हैं उसको आपने दोबारा लॉगिन करना है। जैसा कि दोस्तों आपने इसको अपनी आईडी के साथ लॉगिन करना है और गेम के अंदर आ जाना है। जैसा कि मैंने अपनी आईडी के साथ कनेक्ट किया और मैं फेसबुक से लॉग इन हो गया और अब मैं गेम के अंदर जाना तो गाइस जैसा कि मैंने गेम को रिस्टार्ट किया और दोबारा लॉगिन करके दोस्तों अब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि जो मैप मैंने डिलीट किया था और वो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा डाउनलोड होने वाला है। टीडीएम मैच, टीम डेथ मैच। और दोस्तों ये मैप को आपने दोस्तों मिनिमम 3 डेज बाद या 2 डेज बाद आपने डाउनलोड करना है। इससे आपका बहुत ही फ़र्क पैदा होगा, इससे आपकी ग्लिच बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस अब मैं आपको सेटिंग में दोबारा लेकर जाता हूँ। जैसे कि गाइस मैंने आपको दिखाया था डाउनलोड में जाकर डाउनलोड ऑटोमेटिकली वैन ऑन फोन। तो दोस्तों अब इसकी बात आती है। दोस्तों इसको मैंने इसलिए कहा था कि डिसेबल रखना है कि अगर आपका दोस्तों 4G नेट आता है तो ये ऑटोमेटिकली आपका टीम डेथ मैच वाला ये मैप आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी कहा है कि इसको आपने 3 डेज बाद या 4 डेज बाद आपने डाउनलोड करना है, इससे आपकी ग्लिच खत्म हो जाएगी वरना आपकी ग्लिच दोबारा आपके सामने आ जाएगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। पीस ऑफ वर्ल्ड।